स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरु जी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरु जी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको ड्राइवर के सैलरी के बारे में, और उसमें मैं बताया था कि किस तरह से आप बिना ड्राइवर को सैलरी दिए अपने ट्रक को रन कर सकते हो। तो आज मैं उसी की जानकारी आपको देने वाला हूँ पूरे डिटेल्स में कि किस तरह से इस तरह का जो है सैलरी मैनेज होता है, और इसको आप लीगली किस तरह से शो कर सकते हो, और इसमें आपका हेल्प कौन करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ड्राइवर को सैलरी अलग से देते हो तो तकरीबन आपका जो सैलरी है ड्राइवर के लिए हर मंथ 15,000 से 25,000 रुपए के बीच में जाता है, और साल में देखें तो ये अमाउंट तकरीबन लाखों में होता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और इस लॉस को बचाने के लिए आज के डेट में ट्रेंड चल चुका है कि आप किस तरह से एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हो और उसको किस तरह से आप ड्राइवर के सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं इसी की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई ट्रक आप रन करते हो तो उसमें आप किस तरह से ड्राइवर के सैलरी को डायरेक्ट ना दे करके एक्सपेंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो हम मानते हैं कि आपका ट्रक जो है लॉन्ग रूट पे रन कर रहा है, और लॉन्ग रूट पे रन कर रहा है तो एक रूट पकड़ते हैं दिल्ली कलकत्ता का रूट मैं पकड़ता हूँ, और कोई एक ड्राइवर आप पकड़िए जो कि दिल्ली कलकत्ता के रूट पे हमेशा चलता हो। उस ड्राइवर को आप कभी भी किसी दूसरे रूट पे मत भेजिए, क्योंकि जो ड्राइवर एक रूट पे ज़्यादा करके चलता है उसको उस रूट का सबसे अच्छा नॉलेज होता है, हर एक टोल का नॉलेज होता है, हर एक नाके का नॉलेज होता है, और हर एक बॉर्डर का नॉलेज होता है, और उसको पता होता है कि वहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आपको एक ऐसा ड्राइवर पकड़ना है जो कि उस रूट का मास्टर हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो उस रूट के लिए, तभी आप इस तरह का सैलरी जो है एक्सपेंस के रूप में दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसका जो पूरा प्रोसेस है क्या है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली, जो ये 3000 किलोमीटर का अप एंड डाउन का रूट है, यहाँ पे आपका अप एंड डाउन में तकरीबन 70,000 रुपए का खर्च आता है, और इस खर्च में जो है आपका डीजल का अमाउंट होता है, आपका टोल होता है, आपके अदर खर्चे होते हैं, और जो ड्राइवर का खाने का खर्चा होता है वो होता है। अब इसमें करना क्या होता है, आपको जब भी कोई ड्राइवर आपके ट्रक को लेकर के निकलता है तो जब जहां पे भी वो जिस भी तरह का कोई खर्चा करे, आप एक अमाउंट को फिक्स कर दीजिए, आप पता कर लीजिए कि एग्जैक्ट इस रूट में आपका एक्सपेंसेस कितना है। उसके लिए आप एक बार सर्वे भी कर सकते हैं, आप अपने किसी बंदे को भेजिए उस रूट पे, आप खुद भी जाकर के एक बार सर्वे कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अप एंड डाउन में उस रूट का एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या होता है, क्योंकि बिना एक्चुअल एक्सपेंसेस का आप ये काम सही से नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि अप एंड डाउन में अमाउंट जो भी हो, मैं एक अप्रोक्स अमाउंट आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए कि 70,000 रुपए का खर्चा आता है, तो वो 70,000 रुपए का आपको ड्राइवर से किसी भी तरह का कोई हिसाब नहीं लेना है। अगर आपका ड्राइवर उसका हिसाब देता भी है तो आप उठा करके रख लीजिए अपने पास, जोड़ने का जरूरत नहीं है आपको, कहीं अपने अकाउंटिंग में दिखाने का जरूरत नहीं है। इसमें आपका हेल्प करेगा आपका सीए, बहुत सारे सीए को भी आज के डेट में पता होता है जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको एक्सपेंसेस को सैलरी में किस तरह से दिखाना है, और किस तरह से ये सारे अमाउंट को दूसरे दूसरे सेक्शंस के लिए यूज करना है। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो अमाउंट आप पे करते हो 70,000 रुपये एक टाइम के लिए अपने ड्राइवर को, ये अमाउंट को आपको दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, हम मानते हैं कि कोई ड्राइवर जो है, कोई जो उस रूट पे ड्राइवर आपका ट्रक लेकर के चल रहा है, महीने में 2.5 से 3 चक्कर करता है, इससे ज़्यादा चक्कर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2.5 से 3 चक्कर में तकरीबन आप मान के रखो 2 लाख रुपये का पेमेंट करते हो, और वो 2 लाख का जो पेमेंट है उसमें से ड्राइवर को निकालना है अपना सैलरी, जो कि तकरीबन 30,000 से 35,000 रुपये होता है। वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे टोल हैं जहाँ पे कि आपको सही से आइडिया नहीं होता है कि हम अगर इस टोल के थ्रू 24 घंटे के अंदर आए और जाएं तो एक ही टोल के पर्ची से हमारा काम हो जाता है, दूसरे टोल के पर्ची की जरूरत नहीं होती है, दूसरा कोई टोल लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे जितने भी टोल हैं वहाँ पे वो अप एंड डाउन दोनों का ले लेता है, टोल कटवा लेता है,
इसके साथ ही तेल के एवरेज को दिखाने के लिए ड्राइवर हमेशा अपने ट्रक को सही से रन करता है। जब भी आप सैलरी पेमेंट करते हो, ड्राइवर को सैलरी देते हो, तो आपका ट्रक जो है किसी भी हिसाब से कोई ड्राइवर रन करता है, बट जैसे ही बात आती है उसके अपने बचत की उस एक्सपेंसेस में, तो आपके ट्रक को सही से ड्राइव करता है। और इस कंडीशन में आपका जो ट्रक का जो माइलेज होता है डीजल का, वो भी बढ़ जाता है, और यहाँ पे तेल का जो खर्चा होता है वो घट जाता है। आप जब सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का तेल का खर्च हुआ है। वहीं पे जब वो ड्राइवर उस ट्रक को लेकर के जाता है, जब उसको पता रहता है कि मुझे इसी अमाउंट में अपने सैलरी को निकालना है, तो जहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपये की खर्च की बात आती है, वहाँ पे एक ट्रिप में ये अमाउंट तकरीबन 35 से लेकर के 38 हज़ार रुपये हो जाता है। और ये होता है सबसे बड़ा कारण इसका, सही से ट्रक को ड्राइव करने के कारण। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इससे क्या होता है, आपके ट्रक का माइलेज भी बढ़ता है और साथ में आपके ट्रक का जो कंडीशन है वो भी सही होता है। अब बात करते हैं उस सारे एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग करने के बारे में। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि आपके जो CA हैं उनको पता होता है कि इस तरह के एक्सपेंसेस को किस तरह से एंट्री करवाना है, तो आप अपने CA से बात कीजिए, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि जितना भी इस तरह का एक्सपेंसेस होता है उसको किस तरह से एंट्री करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप करते हो तो आप पहले ट्रांसपोर्टर हो जो इस तरह का काम कर रहे हो। इंडिया में बहुत सारे इस तरह के ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रक मालिक हैं जो आज के टाइम में इस तरह से अपने ट्रक को रन करवाते हैं। इसमें से दिल्ली की बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी है, मैं ट्रकिंग कंपनी की तो बात फिर भी छोड़ देता हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी है जिनके पास अपना इस तरह का ट्रक है, और फिर भी उनका जो एक्सपेंसेस है इसी तरह का आता है, और उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो इसी तरह से इंटर होता है। और इसमें सबसे बड़ा हेल्प जो करता है वो उनका CA करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप अपने ड्राइवर को एक्सपेंसेस देते हो, पैसा देते हो, तो उससे आपको हिसाब नहीं लेना है। दूसरा नंबर, आपको उस रूट के लिए ड्राइवर को लेकर के आना है जिस रूट पे ड्राइवर जो है मास्टर है, उस रूट की हर एक जानकारी उस ड्राइवर को पता है कि कौन सा टोल से किस तरह से पैसा बचाया जा सकता है, कहाँ से किस तरह से पैसा बचाया जा सकता है, कौन सा ऐसा ढाबा है, कौन सा ऐसा होटल उस रूट पे जहाँ पे कि खाने का खर्चा बहुत कम आता है। और खास करके बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद से अपने पास खाना बनाने के लिए सारे बर्तन स्टोव वगैरह का इंतजाम करते हैं, तो उनको भी कहीं से कुछ खरीद के खाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से बना करके खाते हैं। तो इस तरह से वो अपने सैलरी को मेंटेन करते हैं, और जहाँ पे उनको 15 से लेकर के 25 हज़ार रुपये तक का कमाना होता है, वहाँ पे वो तकरीबन 30 से लेकर के 40 हज़ार रुपये तक आराम से कमा लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख करके ही अपने ट्रक के जो ड्राइवर है उनको पेमेंट कीजिए। और ध्यान रखिए, पेमेंट करने से पहले आप एक बार रूट का सर्वे ध्यान से कर लीजिएगा, तभी आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस आपका पता चलेगा, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा वही आप अपने ड्राइवर को पेमेंट कीजिए, उससे आपका बचत होगा। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी, कैसे आप ड्राइवर का सैलरी दिए बिना ड्राइवर को सैलरी दे सकते हो। ये बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, बहुत जल्दी मार्केट में निकल के नहीं आती है, बट मेरे पास कुछ ऐसे कंपनी की जानकारी थी जो इसके बारे में मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर कर रहा था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।